Assalamualaikum dear students, SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7, Subject Hindi, and here your Hindi teacher Sayyed Gulaf Shah. Boys, आज हम हमारा 9th chapter जो है समय सारिणी वो आज हम लोग देखने वाले हैं और इसका explanation समझेंगे. ठीक है, तो let's start. समय बहुत कीमती है, समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है. यानी समय जो है टाइम वो बहुत ही कीमती है. एक बार जाने के बाद टाइम कभी लौट के नहीं आता है. इसलिए टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए. समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है. यानी समय को अच्छे से उसका उपयोग करने के लिए हमें उसका आयोजन करना बहुत ही आवश्यक है. हमें जो हमारे पास एक से ज़्यादा काम हो तो हमें उसका स्केड्यूल बना देना चाहिए कि हम कौन सा काम कब करेंगे, ताकि हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल भी बर्बाद ना हो. समय की बचत के लिए ही हमारे रोज़मर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज़ आदि की समय सारिणी बनाई जाती है. यानी टाइम का अच्छे से उपयोग हो इसीलिए हम समय सारिणी बनाते हैं. जो हमें पता ही ना हो कि कब कौन सी बस जाने वाली है, कब कौन सी ट्रेन निकलने वाली है, तो हमें पता ना हो तो हम बहुत टाइम पहले से स्टेशन पे चले जाते हैं और वहाँ पे उसका वेट करने लगते हैं. तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है. इसलिए ये टाइम की बर्बादी ना हो इसलिए समय सारिणी बनाई जाती है. यहाँ इस इकाई में ऐसी ही कुछ समय सारिणी अभ्यास के लिए रखी है. एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे. यानी हमारे लाइफ में किस तरीके से टाइम का उपयोग करना चाहिए और हमारे फ़र्ज क्या है, इसलिए यहाँ पर समय सारिणी के अंदर समय का महत्व बताते हुए कुछ क्या रखे हुए हैं, हमारे यहाँ पर भावपत्रक रखे हुए हैं. अब यहाँ पे देखो, एक आप लोगों को एक एक्टिविटी करने के लिए दिया है. बच्चों, आप रोज़ सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं लिखिए. यहाँ पे आपको सुबह जागने से सोने तक आप क्या क्या प्रवृत्तियाँ करते हैं वो यहाँ पे आपको क्या करनी है, लिखनी है. मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है, तो आप देख लीजिए एक बार. देखिए यहाँ पे कुछ आपको एग्ज़ाम्पल दिए हुए, जैसे कि समय 6 बजे. तो क्या करते हो आप 6 बजे? दांत साफ करना, नित्य कर्म और नहाना धोना. ठीक है. 7:30 चाय नाश्ता. 8 बजे प्रार्थना करके पढ़ाई करने बैठना. यानी आपका इसमें यहाँ पे आप लोग जो जिस तरीके से करते हो उस तरीके से आपको लिखना है. 10 बजे भोजन करके स्कूल जाना. 11 से 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाई करना. 5:30 को क्या लिखा है, घर लौटना और नाश्ता करना. 6 से 7 खेलना. 7:30 भोजन. 8 से 9 बजे तक गृह कार्य यानी होमवर्क. 9 से 10 बजे तक मनोरंजन तथा शयन. मनोरंजन के कार्यक्रम या कुछ एक्टिविटी करना और फिर बाद में शयन यानी सो जाना. ठीक है. तो इस तरीके से आपको भी आपकी ये जो बुक है उसमें दिया हुआ है. जो अगर आप इस बुक के अंदर नहीं फिनिश करते हो तो जो मैंने आपको बताया वो आप अपने टाइम के हिसाब से आपकी वर्क बुक में पेज नंबर 63 पे दिया हुआ है. ये वाला जो आपको भावपत्रक पूरा समय सारिणी बनाने दिया हुआ है वो आपको अपने टाइम के हिसाब से आप कौन सा टाइम क्या करते हो वो लिखना है. ठीक है. अब नीचे क्या दिया हुआ है, आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं उसकी समय सारिणी बनाइए. अब कौन कितने बजे कहाँ जाते हैं उसकी समय सारिणी बनाना है, तो उसका भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ आपको कैसे बनाना रहेगा. वो देखो, यहाँ पर फर्स्ट वन नाम लिखना है, तो दादाजी. टाइम लिख देना उनका 6:30, और वो क्या करते हो उस टाइम पे, शेयर करने के लिए जाते. शेयर करने यानी टहलने के लिए जाते या एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए जाते. छोटे भाई बहन
समय 7 बजे क्या करते हैं, स्कूल में होते वो लोग। बड़ा भाई 9:30 बजे कॉलेज के लिए जाते हैं। पिताजी 10 बजे दुकान पे जाते हैं। दादी 10:30 बजे मंदिर, 10:30 को क्या मंदिर। माताजी 5 बजे शाम में बाज़ार के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी वर्कबुक में ये दो चीज़ें लिखनी है, जिससे हमारा जो बुक का जो काम है वो भी फिनिश हो जाएगा, बुक में दिया हुआ है, और वर्कबुक में भी आपका फिनिश हो जाएगा। देखो, वर्कबुक में भी हमको करना है सेम थिंग। ठीक है, तो आप वर्कबुक में कर लो या बुक में कर लो। उसके बाद हमारा वर्कबुक में ही 864 पेज नंबर पे, यहाँ पे देखो पूरा समय सारिणी आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो। यहाँ पे कुछ आपको नोट्स दिए हुए हैं, वो भी पढ़ लेना आप, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको किस तरीके से लिखना है, इसके क्वेश्चन आंसर वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।